नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें आज पार्ट 37 है। इससे पहले मैं इसका 36 पार्ट बना चुका हूँ, उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा दें, जिससे कि नया नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, पौधे में पत्ती प्रशोषण का कार्य करती है। पौधे में पत्ती का क्या काम होता है? प्रशोषण। गांधी जी ने डांडी अभियान 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। गांधी जी ने डांडी मार्च का अभियान कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। एमएस सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गाना किया था। कौन ऐसा एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था? एमएस सुब्बालक्ष्मी। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन है? जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रण गुप्त काल की है। अजंता चित्रण किस काल की है? गुप्त काल की है। कुंभ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित होती है। कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होती है? 12 वर्ष के बाद। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। नामचे बरवा हिमालय पर्वत का शिखर असम में स्थित है। नामचे वर्बा हिमालय पर्वत का शिखर किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। राज्यरोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। राज्यरोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैगनिक किरणों को सर्वप्रथम जोहानसन विल्सन हैन रिटर ने देखा था। परावैगनिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? जोहान विल्सन रिटर ने। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल है। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेव राय कहाँ का राजा थे? विजयनगर के राजा थे। राजस्थान की खेतरी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के खेतरी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसका संबंध किस भाग से है? संविधान के भाग 4 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक लाइम सिलिका और एलुमिना है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या क्या है? लाइम सिलिका और एलुमिना है। सोल्डर अर्थात टांका टीन और शीशा का मिश्र धातु है। सोल्डर अर्थात टांका किस किस का मिश्र धातु है? टीन और शीशा का। इंसुलिन पैनक्रियाज अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है। स्कर्वी रोग के निवारण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्कर्वी अम्ल का। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को किसने लिखा है? सैयद अहमद खान ने लिखा है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय
गान प्रथम बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या है? पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का क्षेत्र मध्य एशिया तक सीमित है। भारत में काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक है? मध्य एशिया तक सीमित है। अल्पांशो आम की एक किस्म है। अल्पांशो किसका एक किस्म है? आम की एक किस्म है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी बंगलोर में स्थित है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है? बंगलोर में स्थित है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग कौन सी है? भैरवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाला था। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाला था? राजा राम ने संभाला था। दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशिया में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशिया में थकान किसके जमाव के कारण होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरणों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोज शाह तुगलक। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक पे बना है। अलमाटी बांध किस नदी पे बना है? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। यह किस राज्य में है? कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल को सबसे निचली परत क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी की निचली वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। इसको ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। राज तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। राज तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। विनेश की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। विनेश की मूर्ति किसे कहा जाता है? फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? पेरियार नदी पे है। OIC का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। OIC का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड से है। माइकल फरेरा का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसने रुचि ली थी? लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की नकद कमाई वाली मुख्य फसल रुई अर्थात कपास है।
तमिलनाडु की नकद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? रुई अर्थात कपास है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में है। प्लासी युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी युद्ध को जीतकर किसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी? रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। कौन सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे? राधाकांत देव। मुगल शासन अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई थी? जब्ती प्रणाली। वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। वेनसांग कहाँ का यात्री था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? चीनी यात्री। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम दुद्धा बेटा है। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दुद्धा बेटा। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, पुस्तक एवं उसके लेखक अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनी। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनी। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज। मेघदूत और कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास। मेघदूत और कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास। बम का दर्शन किसने लिखा है? भगवती चरण बोहरा। बम का दर्शन किसने लिखा है? भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ए लाइफ किसने लिखी है? बीएस नवपाल। हाफ ए लाइफ किसने लिखी है? बीएस नवपाल। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कलहन। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कलहन। हर्षचरित्र का कादंबरी किसने लिखा है? बाणभट्ट। हर्षचरित्र और कादंबरी किसने लिखा है? बाणभट्ट। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई। स्पीड पोस्ट किसने लिखा है? शोभा डे। स्पीड पोस्ट किसने लिखा है? शोभा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? राजशेखर। काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? राजशेखर। बाबरनामा का लेखक कौन है? बाबर। बाबरनामा का लेखक कौन है? बाबर। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन। मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है? नागसेन। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशुघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशुघोष। नेक्स्ट बुक है, पाथेर पंचाली का लेखक कौन है? विश्वभूषण बंदोपाध्याय। पाथेर पंचाली का लेखक कौन है? विश्वभूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी टेज और गाइड का लेखक कौन है? आर के नारायण। मालकुरी टेज और गाइड का लेखक कौन है? आर के नारायण। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती और साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती और साकेत का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। वंदे मातरम किसकी रचना है? बंकिमचंद चटर्जी। वंदे मातरम किसकी रचना है? बंकिमचंद चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा किसने लिखा?
धर्मवीर भारती। सूर्य का सातवां घेरवा किसने लिखा? धर्मवीर भारती। यंग इंडिया किसने लिखी? महात्मा गांधी। यंग इंडिया किसने लिखी? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन किसने लिखी? अरविंदो घोष। लाइफ डिवाइन किसने लिखी? अरविंदो घोष। डिवाइन लाइफ किसने लिखी? शिवानंद। डिवाइन लाइफ किसने लिखी? शिवानंद। भारत एक खोज किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया माय त्रुटि किसने लिखी? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया माय त्रुटि किसने लिखी? इंदिरा गांधी। तमस किसने लिखी? भीष्म साहनी। तमस किसने लिखी? भीष्म साहनी। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि और गोरा किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि और गोरा किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती। गोदान, गबन और कर्मभूमि किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान, गबन, कर्मभूमि किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद्र। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी है? महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसने लिखी है? आर वेंकट रमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर किसने लिखी है? आर वेंकट रमन। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह।